अपने एक दिवसीय प्रवास पर अमरकंटक पहुंचे ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सतविंदर हीरा। इस मौके पर सर्व अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष मुरारी लाल रैदास सहित सैकड़ों अनुयायियों ने संत सतविंदर हीरा का संत रविदास के जयघोष के साथ स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सतविंदर हीरा ने संत रविदास के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के साथ अंधविश्वास और शराबबंदी पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी जो शराब के नशे में भटक गया है, उन्हें जरूरत है शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य के निर्माण करने की। मानव जीवन को मधुमक्खी की तरह अपना जीवन जीना चाहिए, जो सार चीजों को ही ग्रहण करते हैं बल्कि चीजों को छोड़ देते हैं। मानव को भी सार सत्य को ही ग्रहण करना चाहिए, असत्य रूपी बुराई का त्याग कर देना चाहिए। इस मौके पर रैदास समाज के सचिव राकेश चौधरी, प्रवीण चौधरी, कैलाश लदेर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। आज हम सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती मनाने के लिए कपला संगम श्री गुरुदास धर्मस्थान अमरकंटक पे खुशी महसूस कर रहे हैं। प्रसन्नता हो रही है कि हम अपने गुरु महाराज के जो फॉलोअर हैं, संगत है, उनके साथ यहाँ जयंती मना रहे हैं। और संदेश हमारा नहीं है, गुरुजी का है। उन्होंने कहा है कि तुम मखतूल सफ़ेद सपील हम बपरे जस कीरा, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खी। हमें मधुमक्खियों की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए। मिठास जैसे मधुमक्खियाँ शहद पैदा करती हैं, हमें मिठास होनी चाहिए, मिलवर्तन होना चाहिए। जैसे मधुमक्खियाँ सख्त मेहनत करती हैं, हमें ईमानदारी के साथ सख्त मेहनत करनी चाहिए अपने अपने कार्य में। और जैसे मधुमक्खियाँ अपने काम पे जाते हुए ना ही गंदगी के ढेर पे बैठती हैं और ना ही गंदी मक्खियों की संगत करती हैं, ऐसे ही हमें भी गुरुजी कहते हैं कि जब आप सुबह काम पे जाएंगे सीधे काम पे जाइए, रास्ते में बहुत शराब के, फीम के और तरह तरह के नशे के स्थान मिलेंगे। नशे तो क्या करने, जो नशे बेच रहे हैं उनकी संगत भी ना कीजिए, ये गुरुजी का उपदेश है। और गुरुजी ने